खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ले चलते हैं आपको आज की ताजा खबरों की ओर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर से। भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के अंतर्गत किरनापुर वन परिक्षेत्र क्षेत्रांतर्गत ग्राम पीपल गांव बीट के कक्ष क्रमांक 724 में शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे जंगल में दो भालुओं ने ग्राम जुदी टोला के युवक कृष्ण कुमार पंद्रह उम्र 32 वर्ष पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी में पीड़ित युवक कृष्ण कुमार पंद्रह ने बताया कि वह अपने घर के बकरियों के चारे के लिए पत्तियां तोड़ने गांव के पास के ही जंगल में गया हुआ था। उसने भालुओं को देख नहीं पाया और अचानक पत्तियों की डालियां तोड़ते समय उस पर दो भालुओं ने हमला कर दिया, जिस पर अपने बचाव के लिए उसने जोर से शोर मचाना शुरू किया और भालू भी चिल्ला रहे थे तो पास में ही मवेशियों का झुंड चर रहा था, जिससे वे सभी चिल्लाते हुए दौड़ पड़े तो दोनों भालू जंगल में भाग गए। इस शोर की आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़े और उसे गांव घर लेकर आए तथा वहां से उसे 108 एम्बुलेंस से किरनापुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर उमेश डहाटे द्वारा निरीक्षण कर उसे प्राथमिक उपचार दिलवाया गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए किरनापुर से भीमराव डोंगरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार पंद्रह। ये घायल कैसे हो गए आप? जी डगाल के लिए गया था। कहाँ गए थे? जंगल। जंगल गए थे तो वहाँ क्या हुआ? भालू मेरे को दिखे ही नहीं। अच्छा, अचानक हमला हो गया। कितने भालुओं ने हमला किया? दो भालू। अपना परिचय बताइए। मैं मानिकलाल मेशराम, वनपाल परिक्षेत्र सहायक लोड़ांगी। क्या घटना घट गई आपकी? ये भालू द्वारा हमारे पीपल गांव बीट के कक्ष क्रमांक 724 में भालू के द्वारा कृष्ण कुमार को घायल किया गया। घायल करने के बाद हमें तुरंत सूचना मिली। सूचना मिलने पर हमारे द्वारा इनको किरनापुर अस्पताल तत्काल इलाज के लिए लाया गया। जो हम शासन से जो राहत राशि दी जाती है 1,000 रुपये, वो तत्काल इन्हें दी गई।